इंग्लिश ऐसे में मैंने आपको पहले बताया है कि मैंने 3 दफ़ा CSS का ऐसे पास किया था, और मेरी आप पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी ये वीडियोस आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा और मेरा स्टाइल कौन सा है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ऐसे में 5 चीज़ें होती हैं, एक इंट्रोडक्शन, उसके बाद काजेस, इफ़ेक्ट्स और सजेशंस, और उसके बाद कंक्लूजन। इंग्लिश ऐसे में ज़्यादातर सोशल इश्यूज जितने भी होते हैं उनमें आपके 5 एरियाज को आप टच करते हैं। इंग्लिश ऐसे में टोटल 5 एरियाज, इंट्रोडक्शन, काजेस, इफ़ेक्ट्स और उसके बाद सजेशन, सजेशन के बाद कंक्लूजन। और सब 5 चीज़ों की जो लैंग्वेज है वो मुख्तलिफ होती है। काज का आप लैंग्वेज अलग होती है, इफ़ेक्ट्स की अलग, सजेशंस की अलग और कंक्लूजन अलग, और इंट्रोडक्शन का कम्प्लीटली अलग होता है। इंट्रोडक्शन आप देख लें, लैंग्वेज मैंने आप पहले वीडियो में शेयर किए, काजेस डिस्कस किया है, इफ़ेक्ट्स किए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि सजेशंस की लैंग्वेज कैसी होती है, उसके बाद हम 5वीं वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है, वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज वाली वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप देखें कि सजेशंस कैसी लिखी जाती हैं और आप देखें इस स्टाइल को आप फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आप कोई भी इंग्लिश का CSS का ऐसे पास कर सकते हैं। तो चलें इस पर आज डिस्कस करते हैं कि हम सजेशंस कैसे लिखी जाती हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अब मैं इसका टॉपिक सेंटेंस दूंगा, ये हमारा सजेशन में नंबर 1 है हमारा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा ब्लू करूंगा जैसे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। इन ऑर्डर टू, अब हम सजेशंस दे रहे हैं, बात ध्यान में रखना, सजेशन इन ऑर्डर टू मेक अ कंट्री वेरी मच प्रोग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक डोमेन्स, यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। अब ये हमारा सारा टॉपिक सेंटेंस है, बात ध्यान में रखना, ये हमारा टॉपिक सेंटेंस है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज यूटिलाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम बताएंगे कैसे। ईच एवरी गवर्नमेंट नीड्स टू, अब सजेशन में नीड, शुड, वुड, कुड, हम ये सजेस्ट करते हैं। एवरी गवर्नमेंट नीड्स टू शो सीरियस एटीट्यूड towards utilizing the natural resources available in the country. Utilizing available in the country. Third call is one of the blessings in Pakistan which needs an immediate attention to be exploited in a wonderful way. This will help the country have rapid socio economic progress in Pakistan. Out of her call, Pakistan can not only, हम suggest कर रहे हैं, can not only generate एनर्जी बट आल्सो ए लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द यंग ब्लड। इन दिस वे ऑल द प्रोविंसेस are blessed with a lot of natural, blessed with many, lot of ऊपर लिखा, यहां many लिख रहे हैं, many natural resources which must be utilized in a proper
so that development in all the sectors of the country becomes inevitable. This will bring about a massive success and prosperity in Pakistan. And the country will be having peace and prosperity when the people are when the people find opportunities in terms of social economic domains. अब आप देखिए मैं रेंडम लिख रहा हूं. आप देखिए मेरा रेंडम जो है पैराग्राफ राइटिंग का तरीका देखें. मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा. देखें हम इसको टच करेंगे यहाँ पे इस तरह दोबारा टच करेंगे. मैं आपको थोड़ी सी समझाने की कोशिश करूंगा. आप थोड़ी सी अटेंशन दें इंशाल्लाह आपको आ जाएगा. अब देखिए हमने लिखा है कंट्री इज बैकवर्ड. हमारा टॉपिक को दोबारा लिखना है पीपल आर बैकवर्ड. अब हम सजेशंस दे रहे हैं. हमारी पहली सजेशन है यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. पहले हमने कास्ट डिस्कस किया है इफेक्ट किया है. अब जो है हम सजेशन डिस्कस कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें. गवर्नमेंट तरक्की करेगी कंट्री बैकवर्ड नहीं होगी. हम लिख रहे हैं इन ऑर्डर टू मेक अ कंट्री वेरी मच प्रोग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक डोमेन्स. इन टर्म्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक डोमेन्स यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज वन ऑफ द ग्रेट इज वन ऑफ द इज नहीं हैज यहाँ आपका हैज होगा has यहां इसको आप has कर दें शाबाश has a great importance. ठीक है ये हमारा हो गया topic sentence great importance. हम मिसाल दे रहे हैं every government needs to क्या करना चाहिए show serious attitude किस तरफ करना चाहिए towards utilization of natural resources available in the country. ये हमारा पहला example है number one example हमारा. हम इसको argument दे रहे हैं. ठीक है उसके बाद हम मिसाल दे रहे हैं कहाँ पे जैसे थर कोल इज वन ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ पाकिस्तान. थर कोल ब्लेसिंग है व्हिच नीड्स एन इमीडिएट अटेंशन किस तरफ टुवर्ड्स एक्सप्लॉयटेशन इन अ वंडरफुल वे उसको अच्छे तरीके से हम इस्तेमाल करें थर कोल को. दिस विल हेल्प द कंट्री टू हैव रैपिड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस. वहां पे तरक्की होगी तो कंट्री बैकवर्ड नहीं होगी इन पाकिस्तान. हम बता रहे हैं आउट ऑफ थर कोल क्या कर सकते हैं हम. पाकिस्तान कैन नॉट ऑनली जनरेट एनर्जी ना सिर्फ जनरेट कर सकते हैं बट आल्सो लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों को नौकरी भी मिलेगी फॉर द यंग ब्लड. ऊपर देखें लिखा है ना पीपल आर बैकवर्ड. यहाँ देखें पीपल आर बैकवर्ड यहाँ इन लोगों को नौकरियां मिलेंगी और फिर क्या होगा ये गवर्नमेंट की भी हम बताएंगे गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही है. फिर हम तीसरा मिसाल दे रहे हैं ये दूसरा उसके बाद तीसरा दे रहे हैं. दिस इज आवर सेकंड एग्जांपल. आप देखें मैं आपको थोड़ा सा तरीके से बताऊं. हिफाज अली नहीं लिख रहा तरीके से लिख रहा हूं. हम बता रहे हैं कि ऑल द प्रोविंसेस आर ब्लेस्ड विद मेनी नेचुरल रिसोर्सेज. सारे सूबों में नेचुरल रिसोर्सेज हैं. पंजाब में है बलोचिस्तान में है सिंध में है केपीके में है सारों में है. विच मस्ट बी यूटिलाइज इन अ प्रॉपर वे. कहाँ पे जिप्सन में कहाँ पे हमने एक मिसाल दिया है थरकोल का. इन सो दैट डेवलपमेंट इन ऑल द सेक्टर्स जितने भी सेक्टर्स हैं कंट्री में बिकम्स इनिविटेबल. ठीक है इनिविटेबल माना कुछ भी हो जाए हो जाएगा. दिस विल ब्रिंग अबाउट अ मैसिव सक्सेस एंड प्रॉस्परिटी इन पाकिस्तान. इससे मुल्क में तरक्की होगी. चाइना ने कहा था थरकोल हमें दे दें और हर घर पे 250 रुपए पैसे रखें बिजली आपको फ्री 24 आवर्स. ठीक है द कंट्री विल बी हैविंग क्या होगा फिर पीस होगी एंड प्रॉस्पेरिटी होगी अमन होगा लोगों को नौकरियां होंगी गवर्नमेंट अच्छी होगी तो हम क्यों क्राइम करेंगे. व्हेन द पीपल फाइंड अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक डोमेन्स. जब सोशो इकोनॉमिक इंसान की चीजें अच्छी होती है ना तो लोग तरक्की करते हैं. ठीक है तो ये हमारा तीसरा है आपका. इसको हमने कंक्लूड कर दिया.
अब देखें ये तरीका है पैराग्राफ, इस तरह हम हर पैराग्राफ को लिखेंगे टॉपिक सेंटेंस और सजेशंस देंगे। मैं आपको आगे लेके चलूंगा, कोई मसला नहीं है, टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तो आप आराम से इस तरह कर सकते हैं अगर ये वाला मेथड अप्लाई करें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है?